इस फेस्टिव सीजन में आपको खाद्य तेल के ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं भारत की रिफाइनरी तेजी से पाम ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हैं इस पाम ऑयल की डिलीवरी अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाली थी भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इम्पोर्टर है भारत हर महीने करीब सात दशमलव पाँच शून्य लाख टन पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है इसमें से करीब एक लाख टन पाम ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट अब तक कैंसिल हो चुके हैं जो कि कुल इम्पोर्ट का करीब तेरह फीसदी है केंद्र सरकार द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का असर अब दिखाई पड़ने लगा है खाद्य तेलों में पाम ऑयल को मिक्स किया जाता है ऐसे में इसकी कमी से खाद्य तेलों के दाम में उछाल आ सकता है राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सभी कॉन्ट्रैक्ट पिछले चार दिनों में कैंसिल हुए हैं सोमवार को करीब पचास हज़ार टन के इम्पोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुए हैं मलेशिया पाम ऑयल फ़्यूचर में आई ज़बरदस्त तेज़ी के चलते ऐसा हो रहा है भारत द्वारा ऑर्डर कैंसिल किए जाने से मलेशिया पाम ऑयल के रेट नीचे आ सकते हैं साथ ही इससे सोया ऑयल उत्पादकों को भी फ़ायदा हो सकता है कई रिफ़ाइनरी सोया ऑयल का रुख भी कर सकती हैं भारत ने इस महीने की शुरुआत में क्रूड और रिफ़ाइंड ऑयल पर इम्पोर्ट टैक्स बीस फीसदी बढ़ा दिया था इसके चलते अब पाम ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी पाँच दशमलव पाँच फ़ीसदी से बढ़कर सत्ताईस दशमलव पाँच फ़ीसदी हो गई है अब स्थिति ये बन गई है कि ऑर्डर कैंसिल करने में रिफ़ाइनरी को ज़्यादा फ़ायदा है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाम ऑयल बेचने वाले भी इससे खुश हैं अब वह ज्यादा कीमत में नए सौदे कर सकते हैं क्रूड पाम ऑयल फिलहाल एक डॉलर टन के रेट पर आ गया है एक महीने पहले तक यह 980 से 1000 डॉलर पर था भारत मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है एशिया में पाम ऑयल का इस्तेमाल इसकी सस्ती कीमत के चलते होता है मगर अब यह सोया ऑयल के बराबर कीमतों पर आ गया है ऐसे में सर्दियों के लिए कंपनियां सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल खरीदना पसंद करेंगी सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट भारत अर्जेंटीना ब्राजील रूस और यूक्रेन से करता है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी